तेजेंद्र बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। आदेश जी, आप लोग पुलिस थाने आए हैं, जिस तरह से कार्रवाई आज पंजाब पुलिस ने की है, क्या शिकायत दर्ज कराई है? देखिए, पंजाब पुलिस ने गुंडागर्दी केजरीवाल के इशारे पर की है और बग्गा को घर से उन्होंने 50 से ज़्यादा पुलिस फोर्स पहुंचकर पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी की है। उन्होंने पिताजी को मारपीट की है, उनके मुंह में कपड़ा ठूसा है, बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने दी है। ये जो केजरीवाल के इशारे पर गुंडागर्दी हो रही है, बग्गा का दोष सिर्फ इतना है कि उन्होंने सवाल उठाया था कि केजरीवाल जी, आप बताइए कि आपने कहा था पंजाब में चुनाव जीतने के बाद 24 घंटे के अंदर हम गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों को गिरफ्तार करेंगे, नहीं किया। बग्गा का दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने सवाल किया था, केजरीवाल जी आपने अभी तक कश्मीरी पंडितों का जो अपमान किया उसके लिए माफी नहीं मांगी है। बग्गा ने सवाल किया था कि पंजाब के किसानों को मुआवजा कब मिलेगा, क्या इसकी सजा ये है कि आप घर पर भेजकर पिताजी के साथ मारपीट करें, मुंह में कपड़ा ठूसे, पगड़ी तक नहीं पहनने दें? केजरीवाल इन गीदड़ भपकियों से, गुंडागर्दी से बीजेपी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आदेश जी, जो लगातार दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री सवाल उठाते रहते हैं कि बीजेपी दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करती है उनके मंत्रियों के खिलाफ, अब ऐसा लग रहा है क्या कि वो भी जैसे को तैसा कर रहे हैं? पंजाब, उन्होंने तो साफ कहा है जिस दिन हमारे पास पुलिस आएगी हम बता देंगे, हम दिखा देंगे, और आज वो उनका चरित्र और चेहरा आ गया सामने। पंजाब में केजरीवाल के इशारे पर लोगों के घरों पे नोटिस पहुंच रहे, और उनका दोष सिर्फ इतना होता है कि वो जाकर केजरीवाल से सवाल खड़ा करते हैं सोशल मीडिया पर। मैं केजरीवाल को कहता हूं, अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो पंजाब के ड्रग माफिया के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप खालिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपको जो आपके खिलाफ जो सवाल उठाएगा सोशल मीडिया में, उनके यहाँ नोटिस पहुंचाए जा रहे हैं। तो बीजेपी का विरोध इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की वो बेहद आपत्तिजनक है। हालांकि तेजिंदर सिंह बग्गा लगातार अपमानजनक टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ करते रहे, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हुई उस पर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है, और इसके बाद एक विरोध प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी के हेड ऑफिस में किया जाएगा। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज 24।